गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई भी कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमते रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और या तो भगवान को कोसता रहता। अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव भी बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी। यहाँ पास में ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठ के मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए ऐसे उठकर जाना उस लड़के को अजीब लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे थे। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास में कितना वजन होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर से पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह एक घंटे तक पकड़ कर रखूं तो फिर क्या होगा? तो लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होगा। जैन मास्टर ने फिर से प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा और हाथों को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? लड़के ने कहा, वजन तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूँगा? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और फिर आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको परेशान व पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलती और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस ग्लास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो फिर ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर एक खुशहाल जीवन जीना सीख जाओगे।
अगर ये कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।